और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए 14 प्रवासी मजदूर भाग गए, जिसके बाद से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। सभी मजदूर हैदराबाद से पैदल चलकर चमोली पहुंचे थे। मजदूरों का कहना है कि क्वारंटीन सेंटर में अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, खाना और पानी ही नहीं दिया जाता। व्यवस्थाओं की बदहाली की वजह से मजदूर सेंटर से भाग निकले। हमें खाना पीना नहीं मिला, परसों से आए हैं यहाँ, कल 8 बजे रात को मिला, सवेरे से कुछ नहीं मिला है और आज इतना समय हो गया हमें मिला ही नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं मिला है। भूख प्यास में जी छूट रहा, भूख सबका बढ़ रहा है, पानी भी नहीं है हमारे पास, टंका को ले भेज दिया, काहे को पीएंगे खाएंगे और कल अपन घर में मर जाएंगे, यहाँ भूख प्यास में मर रहा है। तो मैं सबसे बड़े दुख की बात यह है कि शासन प्रशासन से हमको यह निर्देश मिला गया है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने तरफ से कुछ ना तो बांटना है ना कुछ देना है। हम लोग केवल जो जो फंड है उसमें केवल दस्तखत करके दिए हैं और हमको व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार के सहायता। दो दिनों तक पूरे छत्तीसगढ़ को